हरियाणा की अब एक वीआईपी सीट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है उचाना कला, जिसे जाटलैंड के तौर पर भी पहचाना जाता है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो वहां से दुष्यंत चौटाला ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा फंसा हुआ दिख रहा है। हरियाणा के सियासी मूड की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की इलेक्शन टीम जा रही है जींद के उचाना कला की ओर। जींद का उचाना कला विधानसभा, जहां लगभग 2,18,000 वोटर्स हैं, जिसमें आधी आबादी जाटों की है। इस जाट बहुल इलाके में कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी सियासी जमीन पक्की की है, तो कभी चौधरी देवीलाल का परिवार यहाँ से अपनी जीत दर्ज कराता रहा है। लेकिन इस बार क्या है सियासी मूड? चौधरी बिजेंद्र सिंह 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे, फिलहाल कांग्रेस के टिकट पर उचाना कला में ताल ठोक रहे हैं। और प्रचार के दौरान समर्थक लड्डुओं से तौलकर स्वागत कर रहे हैं। इलाके का बारौदा गांव है, जहां चुनावी चौपाल के लिए चौधरी साहब पहुंचे थे। कितना वजन है? 90 किलो। 90 किलो का लड्डू? 90,000 वोट आएंगे। पहले भूपेंद्र हुड्डा ने आपके लिए, आप साथ में थे मंच पर, और भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोई रुसवाई नहीं है जी, तो जो पुरानी बातें थी बीती ताही बिसार। नहीं, वो ऐसी रुसवाई की बात भी नहीं है जी। देखिए, मेरे पिताजी और वो भाई हैं आपस में, और उम्र भी करीब करीब बराबर की है, तो महत्वाकांक्षाओं का कई बार फिर टकराव भी हो जाता है, तो वो स्थिति थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो ऐसी कोई स्थिति है नहीं। हरियाणा की राजनीति में इनके पिता चौधरी बीरेंद्र को मौसम वैज्ञानिक माना जाता रहा है। चौधरी बीरेंद्र 5 बार यहां से विधायक रहे। सियासत की विरासत बेटे के हाथ में है। 2019 में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला इस सीट से चुनाव जीते थे। दुष्यंत इस बार भी चुनावी मैदान में है। उचाना कला में दुष्यंत विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। दुष्यंत की पार्टी का चंद्रशेखर से गठबंधन है, तो वो भी वोट मांग रहे हैं। पहले से दुगनी से भी ज्यादा सीटों पर हमारा गठबंधन जीतेगा, और प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे, समर्थन हमें कोई भी। निधि ने बस में सवार होकर इलाके का सियासी मूड समझने की कोशिश की। क्या माहौल है इस बार चुनाव? हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बने ऐसा? मैम, 10 साल लगातार सरकार होगी, लोग उब गए हैं, कुछ फैसले वजह से होते हैं। क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? सरकार जिसका जी करेगा उसकी आ जाएगी। आपका क्या जी कर रहा है? लोक दल के दिए करू मैं तो। किसकी सरकार आ रही है हरियाणा में? हाँ, कांग्रेस की है। मुख्यमंत्री कौन? हुड्डा की शैलजा कौन आवे? नहीं आंदी, क्यों? ये बंदी कौन है? 90 वर्ष तो गोली शिकार होगी, ये बंदी कौन है? हुड्डा बनागा शैलजा की गुट वाले कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा बननी चाहिए। दीपेंद्र सिंह? दीपेंद्र सिंह? दीपेंद्र। निधि जब क्षेत्र के घासों कला की तरफ गई, तो वहां बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रचार करने निकले थे। निधि ने ट्रैक्टर पर ही अत्री से बात की और उनकी राजनीति को जाना। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, और कितना भरोसा है जीत का? देखिए, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन चुनाव लड़वाए हैं मैंने, तो मुझे लगता है कि अनुभव वाली बात करें तो मैं ठीक हालात में, बढ़िया पोजीशन में हूं, और हम लोग यहां से कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे देवीलाल का परिवार हो, इस बार दुष्यंत चौटाला आपके खिलाफ है। जाट बहुल इस इलाके में, आप नॉन जाट है, तो ऐसे में कितनी बड़ी टक्कर, कितनी बड़ी चुनौती है आपके? देखिए, मेरे पिताजी ने, मैंने बताया आपको, 40 साल तक सामाजिक सेवाएं की है, और जातिगत 36 बिरादरी का साथ मुझे मिल रहा, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और लोग आगे आ रहे हैं, और मैं आश्वस्त हूँ 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिलेगा यहाँ से। उचाना कला जाट बहुल सीट है, और करीब 1 लाख से ज्यादा यहाँ जाट वोटर हैं। मुकाबला बहुकोणीय है, लिहाजा जीत हार में किसका पलड़ा भारी होगा, ये अभी आने वाले कुछ दिनों में साफ हो पाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।